प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी कोर्स. टुडे वी शैल स्टडी अबाउट बर्ड डोरमेंसी. रिमेंबर, डोरमेंसी डज नॉट मीन द प्लांट इज डेड. लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज. क्वेश्चन वन, इनिशियल फैक्टर्स फॉर बर्ड डोरमेंसी इज स्लैश आर. ऑप्शंस आर फोटोपीरियड, बीटा इज लैक ऑफ वाटर, चार इज वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन मीन्स सम प्लांट्स रिक्वायर्ड अ चिलिंग और कोल्ड ट्रीटमेंट. दिस ट्रीटमेंट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन इन दोज प्लांट्स कॉल्ड एज वर्नालिन. वर्नालिन इज जिबरेलिन और जिबरेलिक एसिड इन नेचर. इसमें जो गिवन ऑप्शन थे वो सारी ठीक है, तो आंसर आ रहा होगा डेल्टा ऑल. टू डैश रेशियो इज द फैक्टर फॉर बर्ड डोरमेंसी. इसमें जो ऑप्शन थे कि मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है चार्ली, जी ए रेशियो टू ए बी ए. जी ए इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डोरमेंसी जबकि ए बी ए इन्वॉल्व इन इंड्यूसिंग डोरमेंसी. राइट आंसर इज चार्ली. थ्री, रिसेप्शन साइट फॉर बर्ड डोरमेंसी इज. तो याद रखें कि वो लीव बर्ड स्केल्स हुआ करते हैं, तो रिसीव कर रहे होते हैं सिग्नल को, तो आंसर आ रहा होगा अल्फा. फोर, इन ऑर्डर टू सर्वाइव अगेंस्ट सच होस्टाइल कंडीशंस द ग्रोथ रीजन लाइक एपिकल बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर लाइक राइसोन्स, ट्यूबर्ड एक्सेट्रा अंडरगो अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी कॉल्ड. तो इसमें याद रखें जो होस्टाइल कंडीशन लिखा गया है, होस्टाइल मतलब होता है मुखालिफ कंडीशंस. मुखालिफ कंडीशन में हम देखते हैं तो हमें नज़र आ रही होती हैं विंटर कंडीशंस. विंटर कंडीशन में हम जानते हैं टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, और बट द मेन रीज़न होती है जिसमें डोरमेंसी कॉज हो रही होती है वो टेम्परेचर के ड्रॉप होने की वजह से नहीं हो रही होती, वो फोटो पीरियोडिक कंडीशन चेंज होने की वजह से हो रही होती हैं. और फोटोपीरियोडिक कंडीशन चेंज होने से किस तरह हो रही होती हैं ये हम आगे देखेंगे भी. दिस फोटोपीरियोडिक कंडीशन जब चेंज होती हैं, दिस वन ट्रिगर्ड द फॉलिंग ऑफ लीव्स. इसमें राइट आंसर आ रहा होगा अल्फा, सस्पेंडेड ग्रोथ. क्वेश्चन फाइव, डोरमेंसी बिगिंस विद डैश एंड एंड्स विद डैश. तो इसमें राइट ऑप्शन डेट्स अल्फा, डिफोलिएशन मतलब लीव गिर जाएगा. बर्ड ब्रेक, याद रखें जो बर्ड्स होती हैं दे हैव नो गुड वैस्कुलर कनेक्शंस. सो राइट आंसर आ रहा होगा अल्फा. क्वेश्चन सिक्स, ए बी ए इम्पोसेस डोरमेंसी ऑन मेरिस्टमेटिक टिश्यूज ऑफ द प्लांट बॉडी बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ. इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारी ठीक है, सो आंसर आएगा डेल्टा ऑल. सेवन, प्लास्टिड मेम्ब्रेन स्टोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. अब इसको याद रखें, प्लास्टिड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं फाइटोक्रोम्स, एंड दीज फाइटोक्रोम्स बेसिकली काम किस तरह कर रहे होते हैं, बाय चेंजिंग ऑफ फोटो पीरियोडिक कंडीशंस फाइटोक्रोम्स इन द प्लास्टिड मेम्ब्रेन एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन ए बी ए. ये जो ए बी है फिर यहाँ से बनने के बाद प्लास्टिक मेम्ब्रेन से मूव करेगा टू द बर्ड्स, और बर्ड्स से मूव करने के बाद ये मोस्टली जो प्रोसेस है लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और जो सेल डिवीजन हो रही है इसको हम कहते हैं माइटोटिक एक्टिविटीज, दोनों को ब्लॉक कर देगा. इस तरह काम कर रहा होगा, तो इसमें राइट आंसर आ रहा होगा चार्ली बोथ. एट, ऑब्सीजन टू ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे कहा जाता है डॉर्मेन. तो डॉर्मेन याद रखें कि इन्वॉल्व इन बर्ड डोरमेंसी, तो आंसर आ रहा होगा बीटा. नाइन, द डॉर्मेंट बर्ड्स कैन बी इंड्यूस्ड टू स्प्राउट अगेन बाय ट्रीटिंग विद स्प्राउट मीन्स जर्मिनेट. इसमें राइट ऑप्शन जो आ रही होगी डेट इज बीटा, साइटोकाइनिन एंड जी ए बोथ आर ग्रोथ प्रोमोटर्स, तो आंसर आएगा बीटा. टेन, साइटोकाइनेस आर नाउन टू बी सिंथेसाइज्ड इन, इसका राइट आंसर है बीटा डेट इज रूट टिप्स. 11, जी ए एंड ए बी ए स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्रीकर्सर कॉल्ड, प्रीकर्सर कहते हैं स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जहां से कोई बायोकेमिकल पाथवे स्टार्ट हो रहा हो. इसका राइट आंसर रहेगा मेमलोनिक एसिड. अब इसमें याद रखें कि अंडर शॉर्ट डे कंडीशंस, शॉर्ट डे कंडीशंस मतलब जब सीजन होगा विंटर का, तो विंटर में मेमलोनिक एसिड जो है वो किस तरह काम कर रहा होता है, ये ए बी ए की जो सिंथेसिस है उसको प्रमोट करेगा एंड जिबरेलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा होगा. जिबरेलिक एसिड हम जानते हैं कि ये सीड डोरमेंसी या बर्ड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा होता है. इट मीन्स कि शॉर्ट डे कंडीशन के अंदर
ये फिर बर्ड डोरमेंसी कॉज कर रहा होगा बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एबीए। सो इसमें राइट आंसर आ रहा होगा अल्फा। ये क्वेश्चन वो आ गया, अंडर शॉर्टर कंडीशंस द पाथवे फ्रॉम मेवलोनी केसर या मेवलोनेट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए बी ए डैश एंड जी ए सेंसिस इज डैश। तो इस ऑब्वियस आंसर इज डेल्टा, दैट इज सेंसिस एंड इनहिबिटेड। सर्टेन द फोटोपीरियोडिक इफेक्ट आइदर इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी और इंडक्शन ऑफ डोरमेंसी इज प्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डैश इन्वॉल्वमेंट। सो वेरी इजी एमसीक्यू। इसमें मेन जो इन्वॉल्वमेंट है वो होती है फाइटोक्रोम्स की। ये भी याद रखें, फाइटोक्रोम जो प्रोड्यूस होते हैं इन द प्लास्टिड मेम्ब्रेन्स में हो रहा होता है, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक कहते हैं पी आर, कहा था पी एफ आर। पी आर इज कॉल्ड एज फाइटोक्रोम रेड फॉर्म एंड पी एफ आर इज फाइटोक्रोम फॉर रेड। अब दोनों के जो वेव लेंथ में फर्क होता है, रेड की होती है 660 नैनोमीटर, फॉर रेड की होती है 730 नैनोमीटर। ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है फाइटोक्रोम की, जो कि एक्चुअली फ्लावरिंग इंड्यूस कर रही होती है, उसे कहते हैं पी एफ आर। जबकि जो पी आर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम, और पी एफ आर की अमाउंट अगर ज्यादा होगी, अगर इसकी अमाउंट ज्यादा होगी एक क्रिटिकल वैल्यू से, तो ये फ्लावरिंग कॉज कर रहा होगा इन द लॉन्ग डे प्लांट्स। और इसकी अमाउंट पी एफ आर की एक क्रिटिकल वैल्यू से कम होगी, तो ये इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट्स। तो अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर आएगा अल्फा, फाइटोक्रोम। 14 अंडर लॉन्ग डे कंडीशन मोर अमाउंट ऑफ डैश एक्युमुलेट्स इन द सेल व्हिच इनिशिएट्स द सिंथेसिस ऑफ जीए। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि पीएफआर की अमाउंट अगर ज्यादा होगी क्रिटिकल वैल्यू से, तो इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे पना लॉन्ग डे कंडीशन। लॉन्ग डे कंडीशन मतलब समर कंडीशन, गर्मियों के अंदर। सो आंसर आ रहा होगा बीटा। 15 डैश इज असेस्ड यूजिंग अ 0-0 रैंकिंग सिस्टम। इसमें जो गिवन ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें ऑप्शन राइट आएगी चार्ली, डैडी, बड ब्रेक। बड डोरमेंसी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, इसमें जो गिवन ऑप्शंस दी गई हैं वो सारी की सारी ठीक है। सो आंसर आ रहा होगा डेल्टा ऑल। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक द लेक्चर कैंडली हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस वन। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स टू। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।